राज्य से धान खरीदी त्योहार का शुभारंभ हो गया है। जिले के 49 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी होगी। धान बेचने जिले के 32,589 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार 1,28,500 मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार धान खरीदी देर से शुरू हो रही है। पहले दिन किसानों के टोकन नहीं कटने से धान की आवक कम हुई। जैसे जैसे टोकन कटेंगे वैसे ही धान खरीदी में तेजी आने वाले दिनों में आएगी। किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। खेत से खलिहान तक पहुंची अपनी मेहनत को बेचने किसान इंतजार कर रहे थे। प्रशासन ने धान खरीदी के इंतजाम कर लिए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 41 समितियों के 49 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी हो रही है। पंजीकृत किसानों में 5,746 किसान नए हैं, जो पहली बार धान बेचेंगे। धान विक्रय के लिए प्रशासन ने 21 लाख बारदानों की व्यवस्था की है। धान खरीदी के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने सभी केंद्रों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस साल धान के समर्थन मूल्य में महज 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।